वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हमें ड्रैगन्स के बारे में एक कहानी सुनाई जाती है, जहां हर 500 साल बाद एक लड़की की बर्थ होती है, यानी एक लड़की पैदा होती है। और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो उसे एक डिवाइन पावर मिलेगी, जिसकी मदद से वो किसी भी सांप को जायंट ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो उस पावर को यूज करेगा यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, लेकिन बुरा सांप यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पावर को यूज करेगा। और अब 500 साल बाद वो टाइम आ चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी में काफी तबाही हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई स्पेसशिप क्रैश हुआ हो। वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहा था कि वो सच होने वाली है। इसके बाद हमें एक लड़का ईथन दिखाया जाता है, और वो भी एक रिपोर्टर ही था जो उस जगह का एक फुटेज लेता है। लेकिन फुटेज लेते हुए उसे ऐसा लगता है कि उस जगह पर जो निशान है उसने पहले भी उसे कहीं पर देखा हुआ है, लेकिन कहाँ देखा था ये उसे याद नहीं होता। इसके बाद ईथन अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ पर भी वो बार बार उस निशान को देख रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने लॉकेट पर जाती है जो उसे एक आदमी जैक ने 15 साल पहले दिया था, यानी जब ईथन छोटा था। अब जैक कौन था इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब यहाँ ईथन को ऐसा लग रहा था कि इस निशान का उस कहानी से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है जो 15 साल पहले जैक ने ईथन को सुनाई थी। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी 15 साल पहले के टाइम में जब ईथन छोटा था, जब ईथन अपने फादर के साथ एक शॉप पर गया था और उस शॉप का ओनर वही आदमी जैक था। जब ईथन उस शॉप को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो अचानक से एक बॉक्स ईथन के सामने खुल जाता है और उस बॉक्स में से एक लाइट भी निकलती है। उस बॉक्स के अंदर ईथन एक निशान भी देखता है जो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम के निशान जैसा ही था। इसीलिए तो ईथन को लग रहा था कि उसने इस निशान को पहले भी देखा है। इसके बाद शॉप का ओनर जैक ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक हो रहा हो। ऐसा करके वो ईथन के फादर को बाहर भेज देता है, क्योंकि वो अकेले में ईथन से कोई जरूरी बात करना चाहता था। जैक ईथन को बताता है कि जो लाइट तुमने देखी है वो अच्छे इमोगी की है, जो कि हेवन यानी जन्नत से आई है। तब यहाँ पर ईथन जैक से पूछता है कि ये इमोगी कौन है। तब जैक उसे बताता है कि इमोगी एक काफी बड़ा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरिया की एंशियंट स्टोरीज में बताया गया है, जो कि पावर मिलने पर एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत सालों पहले हेवन में इमोगी नाम के सांप हुआ करते थे, जो कि हेवन में अपनी एक काफी बड़ी आर्मी के साथ रहते थे। वहाँ हर 500 साल बाद अच्छे इमोगी को उसके अच्छे कामों पर इनाम दिया जाता था। उस सांप को ये मौका भी मिलता था कि वो जायंट ड्रैगन में बदल जाए, लेकिन इससे पहले इमोगी को हेवन से आई पावर को हासिल करना पड़ता था, क्योंकि इसी पावर की वजह से वो सांप से जायंट ड्रैगन में बदल सकता था। अब उन अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था, और उसे भी हेवन से आई वो पावर चाहिए थी। साथ साथ बुराकी की जो आर्मी थी वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो हेवन से आई पावर को हासिल भी कर सकते थे, लेकिन हेवन में कोई भी ये नहीं चाहता था कि बुरे सांप यानी बुराकी को ये पावर मिले, और यही वजह थी कि उस हेवन पावर को छुपाया गया था। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है कोरिया में, जहाँ पर हमें 1507 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवन की पावर एक घर में जाकर गिरती है और वो घर होता है उस गाँव के लीडर का। इसके बाद उस लीडर की एक बेटी पैदा होती है जिसके पास हेवन की वो पावर थी, और इसी वजह से उस बच्ची के शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन भी बना हुआ था। लेकिन उसके फादर यानी वो लीडर इस पावर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जहाँ पर लीडर की बेटी के साथ एक बहादुर वॉरियर और उसके मास्टर को भी भेजा जाता है ताकि वो उस बुरे सांप यानी बुराकी से उस हेवन पावर को बचा सके। लेकिन बुराकी को ये बात पता चल चुकी थी कि हेवन की पावर को आखिर कहाँ पर छुपाया गया है। फिर वो मास्टर गाँव के लीडर से मिलता है और उसे बता देता है कि आपकी बेटी के पास हेवन की पावर्स हैं। इसके बाद हमें उस लीडर की बेटी और वो वॉरियर दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर लीडर की बेटी और वो वॉरियर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद मास्टर उस वॉरियर को अच्छे इमोगी से मिलवाने ले जाता है, जहाँ पर वो मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो कि अच्छे इमोगी की प्रोटेक्शन के लिए था, जिसे हेवन में बनाया गया था। अब यहाँ पर मास्टर उस वॉरियर को बताता है कि कुछ दिनों बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी और तभी बुराकी भी अपनी आर्मी के साथ पावर्स हासिल करने के लिए आ जाएगा, जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना होगा। और अब वो दिन आ गया था जब लीडर की बेटी 20 साल की हो गई थी, जहाँ पर बुराकी अपनी आर्मी के साथ
नेताओं पर अटैक कर देता है। साथ साथ वो लीडर की बेटी को भी ढूंढ लेता है, और जब वो लीडर की बेटी को अपने साथ ले जा रहा होता है तब मास्टर और वो वॉरियर बुराकी और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो वॉरियर लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर मास्टर अब अकेला ही बुराकी के सोल्जर से लड़ रहा होता है। अब वो वॉरियर उस लॉकेट को वहीं पर छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसा करके उस वॉरियर ने हेवन के रूल्स और ऑर्डर्स को ठुकरा दिया था। इसके बाद बुराकी भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों यानी वॉरियर और लीडर की बेटी एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक छोटे इथन को वही लॉकेट देता है जो 500 साल पहले मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया था, क्योंकि असल में इथन ही 500 साल पहले वाला वो वॉरियर है और जैक ही मास्टर है। यहाँ पर जैक छोटे इथन को बता रहा होता है कि इस बार हेवन की पावर जिस लड़की के पास आएगी उसका नाम सारा होगा, और उसके शोल्डर पर भी सेम लीडर की बेटी के जैसा वो रेड ड्रैगन बना होगा। फिर जैक इथन को कहता है कि तुम्हें सारा को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापिस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर इथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगवाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें जिम में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सारा। फिर सारा टीवी पर इथन की बनाई फुटेज देखती है और जमीन पर वो उसी निशान को देख कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सारा की फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसके घर पर जा रही थी। सारा की फ्रेंड उसके घर पर जाकर देखती है कि सारा ने अपने घर की दीवार पर अजीब तरह के पोस्टर्स लगाए हुए हैं, जिस पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। साथ ही साथ सारा का मूड भी ऑफ था और वो काफी घबराई हुई भी थी। सारा की फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब में ले जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा वहाँ से भी चली जाती है, जहाँ रास्ते में कुछ गैंगस्टर्स उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर सारा को बचाता है, और वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि जैक था। इसके बाद हमें जू का गार्ड दिखाया जाता है जो कि सो रहा था, और तभी उसे हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक जॉइंट स्नेक एक हाथी को खा रहा था, और वो सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी था, जो सबके साथ 500 साल बाद वापिस लौट आया था ताकि वो हेवन की पावर्स को हासिल कर सके। इसके बाद हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर पुलिस को लग रहा था कि उन गैंगस्टर्स को सारा ने मारा है, लेकिन सारा उन्हें उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है कि मुझे तो उसने बचाया था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। इसके बाद सारा का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है, और ये रिपोर्टर इथन का ही फ्रेंड होता है। इसके बाद इथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ जैक नहीं था बल्कि वहाँ पर इविल जर्नल था, और जब इथन उसे जैक के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया है। तभी अचानक से वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, और तभी अचानक इथन की आँख खुल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि जो कुछ उसने अभी देखा वो उसका ड्रीम था। इसके बाद इथन अपने फ्रेंड के पास आता है उसे सारा के बारे में जानने के लिए। तभी वहाँ पर इथन का वो फ्रेंड भी आ जाता है, यानी वो रिपोर्टर जो सारा का इंटरव्यू लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, और वो यहाँ पर आकर सारा के बारे में बताने लगता है। तब उसकी बातें सुनकर इथन को शक हो जाता है कि ये वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद सारा एक ड्रीम देख रही होती है, जहाँ पर वो देखती है कि इविल जर्नल उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी सारा की आँख खुल जाती है और अब उसके ड्रैगन वाले निशान में पेन होने लगती है। इसके बाद सारा एम्बुलेंस को बुलाती है, और फिर सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में सारा की फ्रेंड भी उससे मिलने आती है, लेकिन उसे सारा से मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद सारा के दो फ्रेंड्स उसके घर पर जाते हैं उसका कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर इविल जर्नल और बुराकी आकर उन दोनों को मार डालते हैं। इसके बाद इथन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर इथन ये समझ रहा था कि सारा की मौत हुई है, लेकिन सारा के घर पर जाकर उसे पता चलता है कि सारा की फ्रेंड की मौत हुई है, और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर इथन उसी हॉस्पिटल में जाता है सारा से मिलने के लिए, लेकिन उसे भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ पर इथन एक डॉक्टर से मिलता है जो कि इथन का ही फ्रेंड था, तो इसीलिए वो डॉक्टर इथन को सारा से मिलने देता है। जब इथन सारा से मिलता है तो सारा उसे कहती है कि आगे आगे बहुत बुरा होने वाला है। तब इथन उसकी बात कंप्लीट करता है और उसे कहता है कि उस बुराई की स्टार्टिंग हो चुकी है। तभी हम देखते हैं बुराकी को जो सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ गया था, लेकिन तभी इथन का फ्रेंड वो डॉक्टर वहाँ पर आकर इथन और सारा की वहाँ से भागने में हेल्प करता है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था। यहाँ पर बुराकी रास्ते में उन पर अटैक कर देता है और इविल जर्नल भी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक लेडी आकर वहाँ पर उनकी हेल्प करती है। और यहाँ पर हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो लेडी के रूप में उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आया था। उधर वो इविल जर्नल अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करता है। इसके बाद हमें सारा और इथन दिखाया
दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे। इसके बाद हमें कुछ एजेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उनका हेड एक एजेंट से शहर में होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में पूछता है, जहाँ पर एक एजेंट अपने हेड को एंशियंट स्टोरीज सुनाता है लेकिन उनका हेड इन स्टोरीज पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो सारा के बारे में सारे डिटेल्स निकलवाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सारा ही रीजन है। इसके बाद हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बुराकी पर अटैक करने जाते हैं लेकिन बुराकी उन सबको मार डालता है। इसके बाद इथन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है सारा के ड्रीम्स के बारे में जानने के लिए, जहाँ पर पहले तो सारा अपने फादर को देखती है जो कि अब मर चुके हैं। इसके बाद सारा 500 साल पहले अपने पास्ट टाइम को देखती है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है और फिर इथन सारा को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब बुराकी स्टिल उनका पीछा करता है लेकिन वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद इथन अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जिसके वॉशरूम में इथन जैक से मिलता है। यहाँ पर जैक इथन को वो बात याद करवाता है, यानी जब उसने हेवन के रूल्स और ऑर्डर्स को ठुकरा दिया था। जैक उसे कहता है कि इस बार तो तुम्हें अपना काम पूरा करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बुराकी उस रेस्टोरेंट में भी आ जाता है लेकिन इससे पहले कि वो लोगों पर अटैक कर पाता पूरी पुलिस फोर्स बुराकी पर अटैक कर देती है। इसके बाद इथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में चला जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है तो बुराकी उसे नीचे खींचने लगता है। तब सारा और इथन जल्दी से हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पर अटैक किया जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर इथन और सारा वहां से चले जाते हैं। उधर इविल जर्नल अपने सोल्जर्स को भेज देता है सारा को ढूंढने के लिए। तब देखते ही देखते वो सारे जानवर सारे ड्रैगन्स पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं, जहां पर बहुत सारे ड्रैगन्स आकर इथन और सारा की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का काफी बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो ड्रैगन्स वहां पर आकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने इथन को तो बांध कर रखा हुआ था और सारा को वो लोग सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे थे। और तभी वहां पर बुराकी को भी बुलाया जाता है। यहां पर इथन जोर से चिल्लाता है जिससे होता ये है कि उसकी लॉकेट की पावर की वजह से उसकी रस्सियां टूट जाती हैं, जिससे वो सारे सोल्जर्स ड्रैगन्स मिट्टी बन जाते हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है, जिससे बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद इथन जाता है सारा को बचाने के लिए लेकिन वहां पर इविल जर्नल आकर इथन पर अटैक कर देता है लेकिन इथन के लॉकेट की पावर की वजह से वो इविल जर्नल भी मारा जाता है। इसके बाद बुराकी वहां पर आ जाता है और वो इथन को गिरा देता है और सारा पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी इमोगी वहां पर आ जाता है और वो बुराकी से लड़ने लगता है लेकिन यहां पर बुराकी इमोगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी हेवन पावर इमोगी को दे देती है और ऐसा करने की वजह से सारा बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि हेवन की पावर इमोगी को मिल गई थी तो इसीलिए बुराकी को गुस्सा आ जाता है और वो इमोगी पर अटैक कर देता है, लेकिन पावर मिलते ही इमोगी जायंट ड्रैगन में बदल जाता है और यहाँ पर उनके बीच जबरदस्त किस्म की फाइट होने लगती है, जहाँ पर लास्ट में इमोगी बुराकी को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर सारा की बॉडी और इमोगी की पावर्स आपस में मिल जाती है। जाने से पहले सारा इथन से प्रॉमिस करती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद इमोगी हेवन की पावर लेकर वापिस से हेवन में चला जाता है। इसके बाद जैक इथन को कहता है कि हम दोनों खुश नसीब है कि हमें इस काम के लिए चूज किया गया। तब ये कहकर जैक भी राख बनकर हवा में उड़ जाता है। यहाँ पर इथन जैक को गुड बाय कहता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।